कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन वर्मा ने सीएम शिवराज पर निशाना साधते हुए कहा, शिवराज एक मुहिम चला रहे हैं। शब्दों के आडंबर जाल रचने वाले भाजपाई ये भूल जाते हैं कि हम जो ढोंग कर रहे हैं कि मैं भी गरीब हूं, मैं भी शिवराज हूं। अरे भाजपाइयों, क्यों शिवराज बन रहे हो? 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने शिवराज चौहान के चेहरे को नकार दिया था। उन्होंने कहा, गरीबी का यह ढोंग बंद करो। शिवराज सिंह जी चौहान एक मुहिम चला रहे हैं। शब्दों के आडंबर जाल रचने वाले भाजपाई ये भूल जाते हैं कि हम जो ढोंग कर रहे हैं कि मैं भी गरीब हूं, मैं भी शिवराज हूं। अरे भाजपाइयों, क्यों शिवराज बन रहे हो? 2018 के चुनाव में जनता ने मध्य प्रदेश की शिवराज चौहान के चेहरे को नकार दिया। अब गरीब की कहानी सुन लो, शिवराज जी चौहान बाबू की। जिस व्यक्ति के घर में दो दो नोट गिनने की मशीनें मिलती हों, जिस व्यक्ति के बेटे का 1000 एकड़ का फार्म हाउस हो, बंबई के उद्योगपति के साथ आधुनिक डेयरी फार्म बड़ा भारी, जिसकी परिवार के लोग, जिसके बेटे बेटियां फॉरेन में पढ़ रहे हो शिवराज के, और बोलने में बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं भी गरीब हूँ। 15 साल में जो भ्रष्टाचार किया शिवराज बाबू, होशंगाबाद सीहोर की नदियों की रेत खा गए, आज भी 2000 डंपर तुम्हारे चल रहे हैं। हे भगवान, ऐसा गरीब सबको बना दे तो ये मध्य प्रदेश बहुत स्वर्ग बन जाएगा। शिवराज बाबू, शब्दों के आडंबर से काम चलेगा नहीं, जनता पहचान गई मध्य प्रदेश की। किसी कांग्रेस के छोटे से कार्यकर्ता के शब्द पकड़ के वेतरणी पार करना चाहते हो? जब तुमने पहली बार चुनाव लड़के फॉर्म भरा था, पहली बार जाने कब, तब कितनी संपत्ति थी फॉर्म में भरा होगा? अभी के चुनाव में कितनी संपत्ति है जरा मध्य प्रदेश की जनता को तुम्हारी संपत्ति भी बताओ, साधना भाभी की भी बताओ, नरोत्तम मिश्रा की बताओ, नरेंद्र सिंह तोमर की इनकी बताओ, कि कहां से कहां पहुंच गए? क्या मुख्यमंत्री बनते जादू का पिटारा आ जाता हाथ में कि करोड़ों करोड़ रुपए मिल जाए? ये गरीब का ढोंग बनकर भाई।